राजनीति में एक कहावत है, चढ़े तो चाखे चांद रस और गिरे तो चकना चूर। आपको बहुत दूर से लेके चलता हूँ, 1980 के दशक से लेके चलता हूँ। और संजय झा जी कोई आंदोलन के नेता नहीं थे, एमए करने के लिए जाते हैं जेएनयू। जेएनयू में ये झेलम हॉस्टल में ये रहते हैं। संजय झा जी अमेरिका तो जा नहीं पाए, तो वो पहुँच गए मुनिरका। उस दौरान एक मैगजीन शुरू करते हैं, और वो मैगजीन खास करके सिविल सर्विसेज के कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है। 1992 में ये अपना एक पब्लिकेशन हाउस खोलते हैं। उनका डेथ हो जाता है, उनको कैंसर होता है, वो दिल्ली में ही उनका डेथ होता है कैंसर के कारण। लेकिन इनका बिजनेस ठीक ठाक चल पड़ता है। अब यहाँ से बीजेपी की एंट्री होती है। इनके सीनियर थे अरुण जेटली और इनके जूनियर थे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी की तरफ से इनको अच्छा खासा प्रिंटिंग का काम मिल जाता था। हालांकि 2004 में संजय झा जी बिहार की राजनीति में कहीं नहीं है। एक तरफ अरुण जेटली जी थे, सुशील मोदी थे, और दूसरी तरफ कीर्ति आजाद, आडवाणी जी, जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटे विजय मिश्रा, ऋषि मिश्रा, ये सब लोग। यहीं से एंट्री होता है संजय झा जी का। संजय झा जी अभी भी नहीं आए हैं बिहार, अभी अपने बिजनेस में मस्त हैं। और अभी तक ये नित्यानंद राय और जो भी अभी चेहरे देख रहे हैं, ये सब कहीं नहीं थे उस समय। जयसवाल जी, ये सब जितने भी आप बीजेपी के अभी चेहरे देख रहे हैं, इस बढ़े हुए कद के साथ अरुण जेटली जी ने कार्ड खेला संजय झा जी का। अब देखिए इस कैंप को देखिए, नीतीश कुमार प्लस सुशील मोदी प्लस अरुण जेटली प्लस संजय झा। नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके उठा लेते हैं, वो फोटो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर बहुत बुरी तरह से लताड़ते हैं संजय झा जी को। जसवंत सिन्हा ने कहा कि भाई कौन है ये सुशील, संजय झा नया नया आया है, MLC बना है, अभी उसको लोकसभा कैसे लड़ा देंगे हम। विद्रोह की तरह देखा जा रहा था कि संजय झा पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहा है, आडवाणी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मई में इनका टर्म खत्म होता है और जुलाई में ये JDU ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उसके ऊपर एक वीडियो भी है जिसपे गिरिराज सिंह जी ने बड़ा कटाक्ष किया था संजय झा की, संजय झा के बीजेपी से JDU की तरफ जाने में। नथनी दी जिस यार ने उसको सुमरत बारंबार, नाक दी जिस करतार ने उसको दिया विशार। बस मैं यही कहूंगा। तो अब संजय झा का हालत ये हो गया कि वो जो कहते हैं ना एक कहावत, धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। तो संजय झा जी 2014 का दरभंगा से चुनाव किसी भी कीमत पे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने उनको जबरदस्ती कहा कि जाओ तुम लड़ो वहां से, हार भी जाओगे तो हम तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे। तो वो लड़े, सबको मालूम है हारे, बुरी तरह से आए, जमानत तक बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब उस राज्यसभा के इलेक्शन में संजय झा जी पूरा मन बनाए हुए हैं कि अब तो हमें राज्यसभा मिलेगा ही, जैसा कि नीतीश कुमार ने प्रॉमिस किया था। इससे नाराज हो गए संजय झा। अब संजय झा जब इसके बाद नाराज हुए तो कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर ये चले गए थे कि हम अपना बिजनेस देखेंगे। 6 महीने ये जाके दिल्ली में रहे थे। मांझी जी के प्रकरण के टाइम पे संजय झा जी फिर से आए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, राज्यसभा नहीं भेजा, लोकसभा में हार ही गया, अब विधानसभा का चुनाव है 2015 का। संजय झा जी को लग रहा था कम से कम एक सीट तो दो नहीं दे सकते, तो वो सीट भी नहीं दिया गया इनको। वो सीट दे दिया गया कशिश न्यूज के एक मालिक थे सुनील चौधरी, और उनके लिए गोटी सेट किया था हिंदुस्तान अखबार के एडिटर थे विनोद बंधु। अब नाराज हो गए संजय झा जी, ना राज्यसभा ना मिला, ना लोकसभा मिला, ना विधानसभा में एक कैंडिडेट हमारी पसंद का मिला, तो हम काय के लिए रहे। 2015 के इलेक्शन में पूरी तरह से संजय झा साइलेंट रहे। 4-5 इंजीनियरों का डेथ हुआ था वहाँ पे, कहते हैं कि मर्डर किया गया था, और उसमें संजय झा जी का नाम आया। कयास यही लगाया गया कि चूंकि संजय झा जी ने विद्रोह किया है पार्टी के साथ, तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया है, तो अब नीतीश कुमार जी उनका बदला निकाल रहे हैं। हालांकि उस दौरान वशिष्ठ बाबू जो वहाँ के JDU के उस समय स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बयान भी दिया संजय झा के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि कौन संजय झा, वो तो कभी दिखता ही नहीं है, और पता नहीं पार्टी में है भी या नहीं है। संजय झा जी को लग गया था कि नीतीश कुमार खाली कमरा खाली कराने वाले भी राजनीति करते हैं बहुत अच्छे से, तो वो पटना का अपना कमरा खाली कर चुके थे, और उनको विश्वास हो गया था कि अब 2-4 चंद दिनों का मेहमान कभी भी मुझे कहा जा सकता है कि आप निकलिए, अब हो गया आपका काम, अब खाली कीजिए पटना का मकान। और इसी मीटिंग में फिक्स हुआ है बिहार में महागठबंधन की टूटने की कहानी लिखी गई, महागठबंधन की सरकार के खत्म होने की कहानी लिखी गई, और नीतीश कुमार फिर से वापस आते हैं NDA में। तेजस्वी जी का कमरा खाली करा लिया गया सरकार गिरने के बाद तुरंत, उसके ऊपर हो हल्ला हुआ, लेकिन संजय झा जी का कभी कमरा पार्टी विरोध ही काम करने के बावजूद नहीं खाली किया, वो अभी भी JDU में बने हुए थे।
जो मिनिस्ट्री ललन बाबू के पास था वही मिनिस्ट्री संजय झा जी को दे दिया था, जल संसाधन मंत्रालय। पहले ठिकाने लगाया गया आरसीपी सिंह को और बाद में ठिकाने लगाया गया ललन सिंह को। ललन सिंह ये ओपनली बोलते हैं, सबके सब बैठे हुए, अशोक चौधरी सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और पत्रकारों से बोल रहे हैं कि कैसे जो है वो हम वापस एनडीए में गए थे और उसमें कहते हैं कि यही तो लेके गए थे, संजय झा जी की तरफ इशारा करते हुए कि यही लेके गए हुए थे और यहाँ तक बोल देते हैं, हालांकि ये अभी भी बने हुए हमारे साथ है। अरे जो चार आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, उसमें से चार आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी है संजय झा जी, नहीं तो हैं अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। जैसे जैसे ललन बाबू के साथ आरसीपी सिंह के साथ रिश्ता खराब हुआ नीतीश कुमार का, वैसे वैसे संजय झा का रिश्ता स्ट्रांग होते गया और आज के डेट में आप जो देख रहे हैं